हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा शेयर कैपिटल का, क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बोला भी था कि फोर फीचर के दो सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है सम नंबर 12 और एक है सम नंबर 13। अगर ये दो सम आपका अगर आपको बहुत ईजी वे में क्लियर हो जाते हैं तो आपको जितने भी सम है ना फोर फीचर के, क्वेश्चन नंबर 14-20 के हर एक डाउट्स आपको ईजी वे में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। उसके अंदर भी आपको तीन अलग अलग ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। उसमें फर्स्ट नंबर का ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर क्या है कि एक पर्सन है जिसने क्या क्या पे नहीं करा हुआ है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं पे करा हुआ है। उन्होंने क्या क्या भरा हुआ है, तो खाली एप्लीकेशन भरा हुआ है। अगर अलॉटमेंट पे नहीं करा तो अलॉटमेंट के ऊपर जो प्रीमियम हो वो भी पे करा हुआ होगा नहीं। तो पहले तो एंट्री मैंने क्या करी है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट। यहाँ पे अलॉटमेंट और कॉल दोनों की अमाउंट मैंने साथ में लिख दी है, चलेगा, उसका कोई इश्यू नहीं है। अगर अलग अलग लिखना तो भी आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। कितने थे 1200 सेल इंटू 10 रुपीज़ के हिसाब से कितना आ गया, 12,000 आ गया। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के ऊपर कितना था, अलॉटमेंट के ऊपर कितना था, 14 रुपीज़। 10 रुपीज़ का आएगा था प्रीमियम का था, तो 10 रुपीज़ मैंने प्रीमियम में लिखा, जबकि 14 रुपीज़ किस में आ जाएगा, अलॉटमेंट में। और 3 रुपीज़ किसका करा हुआ है मैंने, कॉल का करा हुआ है, यानी 14+3 यानी 17, तो यहाँ पे आ गया, यानी 1200 × 17 20,400। 12,000 इसका आ गया शेयर का अमाउंट 10 रुपीज़ के हिसाब से, और 10 रुपीज़ प्रीमियम का 12,000। 24,000 में 20,400 माइनस करके कितना आ जाएगा, 3,600 हो जाएगी फर्स्ट एंट्री। चलिए चलता हूँ मैं सेकंड में। सेकंड में क्या दिया हुआ है, आपने क्या करा है, शेयर इश्यू करा हुआ है, री इश्यू कर रहे हैं शेयर, और शेयर री इश्यू के लिए आपको वहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो कभी भी अगर मैक्सिमम डिस्काउंट ऐसा वर्ड लिखा हुआ आ रहा है तो स्टूडेंट आपको क्या समझना है, मैक्सिमम डिस्काउंट यानी फोर फीचर की अमाउंट जितनी क्रेडिट में थी ना वही अमाउंट फोर फीचर की कहाँ आएगी, डेबिट में भी आएगी। तो उसकी एंट्री हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ऊपर 12,000 था कैपिटल के अंदर, तो यहाँ पे 12,000 ही आएगा, और यहाँ पे फोर फीचर में कितना 3,600, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3,600 ही आ जाएगा। सो 12,000 माइनस 3,600 कितना आ जाएगा, 8,400। यानी जब कभी भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जैसा वर्ड देना तो आपकी जो फोर फीचर की अमाउंट क्रेडिट में थी वही डेबिट में आएगी, और इसमें से अमाउंट माइनस करने के बाद आपकी अमाउंट का क्या आ जाएगी, री इश्यू की। यानी मैंने कितने रुपीज़ से री इश्यू करेंगे उसको, 7 रुपीज़ से मैंने उसको क्या करा होगा, री इश्यू करा होगा। क्लियर हो गया आपको ये भी। चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या दिया हुआ है, एक पर्सन है जिसके 600 शेयर होल्डर थे उसके, ओके, उसने क्या हमको नहीं पे करा हुआ है, उसने कॉल मनी नहीं पे करी हुई है, और हमने उसके जो शेयर वो कब फॉरफिटेड करे हुए हैं, फर्स्ट कॉल के बाद, यानी क्या फाइनल कॉल मंगाने से पहले, ओके। तो उसके लिए मैंने एंट्री करी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया नहीं मिला है, 2 रुपया, यानी 600 × 2 कितना आ जाएगा, 1200। और जो आपको ऊपर कैपिटल के अंदर मैंने 7.5 से मल्टीप्लाई क्यों करा है, क्योंकि उसके एप्लीकेशन पर कितना मिला है, 3 रुपये। अलॉटमेंट पर कितना मिला है, 2.5 यानी 5.5, और फर्स्ट कॉल का कितना, 2 रुपीज़ यानी 7.5। हमने फाइनल कॉल तो मंगाया नहीं, हम तो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल के बाद ही क्या कर रहे हैं, उसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। तो कितना मिलेगा हमको, 4500, और यहाँ पे कितना आ गया, 1200। दोनों की अमाउंट माइनस करने पे फॉरफिट कितना करा होगा हमने, 3300। ये हमारा क्या हो गया, फोर फीचर हो गया। क्लियर है, चलता हूँ मैं नेक्स्ट वन। बैंक अकाउंट डेबिट, फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे तो आएगा 4500, जितना ऊपर था उतना उतनी आ गया। हाँ, अब इसके अंदर हम लोगों ने सेकंड में क्या दिया हुआ है, कितने रुपये डिस्काउंट से उन्होंने रीइश्यू करा हुआ है, 4 रुपीज़। तो कभी भी अगर ये डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट की अमाउंट हमेशा हम लोग कहाँ लिखेंगे, फोर फीचर में, यानी 600 × 4 कितना आ जाएगा, 2400। और 4500 में 2400 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2100। ये कहाँ आ जाएगा, आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको ये भी मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्का। एंड थर्ड एंट्री तो हमारी बहुत ही ईजी है, इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व करेंगे हम लोग, 3300 माइनस 2400 कितना आ जाएगा हमारा अमाउंट, 900 एंड 900। क्लियर हो गया आपको ये भी, पक्का। चलिए बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी ऐसा ही है, इसके अंदर मैंने प्रीमियम वाली एंट्री करी है, क्यों, क्योंकि उस पर्सन ने क्या करा है, अलॉटमेंट यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, यानी उसने एप्लीकेशन एप्लीकेशन तो भरा है, अलॉटमेंट की अमाउंट भरी नहीं है। तो अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं भरी तो अलॉटमेंट के ऊपर जो प्रीमियम हो वो भी उसने क्या करा होगा, नहीं भरा होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 × 60 क्यों करा है मैंने, उसने 80 रुपीज़ शेयर पे मंगाए और उसके अंदर 20 रुपया किसका है, प्रीमियम का है, तो उसने कितना रुपया मंगाया, 60 रुपीज़, और 20 रुपीज़ किसका आ जाएगा, उसका प्रीमियम का आ जाएगा। सो 400 × 60 ये तो कहाँ आ गया, शेयर कैपिटल में आ गया 24,000, एंड 400 × 20 ये कहाँ पे आ गया, प्रीमियम में आ गया 8,000।
और अलॉटमेंट में कितना आएगा टोटल अमाउंट, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको, 50 rupees इंक्लूडिंग प्रीमियम। सो 400 into 50 20,000 का आ गया आपका अलॉटमेंट पे, कर दीजिए माइनस 32,000 माइनस 20,000 कितना आ जाएगा 12,000, वो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ये भी क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। चलिए और उसी तरह हमने क्या करा, उसको री इश्यू करा हुआ है और री इश्यू में आपको क्या बोल दिया है, 36,000 उसने री इश्यू करा है। बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू कॉल इन एडवांस। अब ये एक चीज़ नहीं आई है कॉल इन एडवांस, क्यों? क्योंकि उसने क्या करा है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पहले क्या करा, शेयर फोरफीचर कर दिया, यानी जो भी पैसा था वो क्या करा था उसने एडवांस में मंगा लिया है। तो 36,000 कब आया होगा, यानी मैंने 400 को किससे मल्टीप्लाई करा होगा, 90 से 36,000 आ गया। बाकी कितना मेरे शेयर का प्राइस कितना था, 100, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करा मैंने 90 से, तो 10 rupees कहाँ जाएगा मेरा फोरफीचर में, यानी 400 into 10 यानी कितना आ जाएगा 4,000 कहाँ आ जाएगा फोरफीचर में। इक्विटी शेयर कैपिटल में तो वहाँ पे कितना आया था डेबिट में 24,000, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूँगा 24,000। सो 40,000 में 24,000 यानी 16,000 मैंने क्या करा होगा, पहले से एडवांस का पैसा मंगा लिया होगा। क्लियर हो रहा है आपको, ये भी बोल क्या बोल रहा हूँ मैं, ओके। और जो लास्ट एंट्री हो तो हमारी कॉमन ही है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, हम लोग क्या करेंगे 12,000 में से क्या करेंगे हम लोग 4,000 माइनस करेंगे, सो अमाउंट विल बी 8,000 and 8,000। क्लियर हो गया पक्का? तो आई होप दैट आपको ये सम भी बहुत ही इजी वे में क्लियर हुआ होगा। ये दोनों ही सम, सम नंबर 12 और 13 अगर एक बार आप वापस रिवाइज करें तो आगे के जितने भी सम है फोर फीचर गए आपको हर एक सम बहुत ही इजी वे में आ जाएंगे। तो आगे के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके आगे भी और अलग सम कराने वाला हूँ। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।